फ्रेंड्स है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो भीड़ है कश्मीर की, जो आप ये आप भीड़ देखो, स्लॉट वन का पेपर जो था उसके लिए बच्चों को एंट्री मिली थी, देन आफ्टर बच्चों को 3 घंटे तक के टेक्निकल टीम बताती थी 10 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, घंटों गुजरा, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हो गया, पढ़ा भी नहीं चला और बच्चों का पेपर कैंसिल हो गया लास्ट टाइम। अब ये एनटीए की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि यहाँ पे स्लॉट टू वालों का जो पेपर था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे आपको भीड़ दिख रहा होगा, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो स्टूडेंट थे और उनके जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगा हुए हैं। सभी का गुस्सा है, जाहिर सी बात है कि काफ़ी दूर से लोग चल के आ रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे जब पेपर नहीं होता है तब बच्चों के ऊपर क्या बीतती है। देखो इस तरीके से बच्चे परेशान हैं, एक दूसरे से डिस्कशन में लगे हुए हैं कि अब आगे क्या करना नहीं करना है। कुछ लोग गेटों को धक्का धमकी कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे जाके जो वहाँ पे टीम एंट्री किएगा उनको गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन उन सबसे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि पेपर अब एग्जैक्टली कैंसिल हो चुका है। तो कैंसिल हो चुका है, सारी चीज़ें ऑफिशियली हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें 2 दिनों से लगभग चल रही है और एनटीए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जो टेक्निकल टीम है कहीं ना कहीं उसके लिए ये जिम्मेदार उसको ठहराया जाएगा। क्योंकि अगर आपका पेपर कल का पोस्टपोन हुआ है, उसको आपने रिशेड्यूल करा है, तो जाहिर सी बात है आपके साथ अगर 10 दिन का टाइम ले लेते आप, फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को आप सही कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये भीड़ जो है ना कहीं ये बताया रहा है कि ये सब के सब परेशान है। और यहाँ पे अब तक ये तो अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो है UGC के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, कुछ NTA के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन ये भीड़ जो है ना आपके गेट को ब्लॉक ना करें, लेकिन आपके जीवन को ये ब्लॉक कर देंगे। ये सुनते रहिए कि गेट को ब्लॉक ना करें लेकिन ये आपके जीवन को ब्लॉक करेंगे। इस तरीके से बच्चे परेशान हैं और आप देखिए भीड़ है, कहीं ना कहीं ये बयान कर रहा है कि किस तरीके से लोग को खबर नहीं थी। अगर खबर होता तो जाहिर सी बात है, इसलिए बात है कि बच्चे आते नहीं, खासतौर से स्लॉट वन वाला, चलो एंट्री हुआ उनको वो चले गए, वो आ गए, लेकिन स्लॉट टू के लिए अगर इन्फॉर्मेशन होता तो वो कहीं ना कहीं वो बच्चे नहीं आते। इस तरीके से भीड़ है, अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि धरना प्रदर्शन के लिए कुछ लोग कह रहे हैं, तो कुछ कोई सब अपना अपना राय बयान कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है ना, ये आप देखो, ये पूरा सड़क आपको भीड़ से भरा हुआ दिखेगा। ये देखो आप पूरा, और ये NTA के सेंटर है, सब लोग अपने कवरेज में लगे हुए हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट का जो स्टूडेंट था उनको खाली करें, उनको आपको खाली कर देंगे सारी चीज़ें। आप यहाँ पे देखो इस तरीके से भीड़ है, और जो बच्चे हैं उन्हें दिन से परेशान है, पेरेंट्स हो बच्चे हो सब परेशान है, सब परेशान है, हाल है। और इसका कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑफिशियली हो चुकी है। ये देखो इस तरफ, इधर से आप भीड़ देखो, इधर पूरा आपको भीड़ दिखेगा, ये पूरा गेट ब्लॉक है। आप ये देखो,